प्रयागराज की इन तंग गलियों में पुलिस की टीम अतीक की पत्नी शाइस्ता को तलाश रही है। पचास हजार की इनामी अतीक की पत्नी की तलाश पिछले कुछ दिनों से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हो चुकी है, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि शाइस्ता प्रयागराज में ही कहीं छिपी है और पुलिस की टीम ने भरेटा गांव में छिपे होने की सूचना पर छापेमारी की। उनकी गिरफ्तारी हम लोग सुनिश्चित करेंगे और उसके पश्चात फिर आगे जैसा जो व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेगा उसके विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज में जहां शाइस्ता का मायका है वहां सन्नाटा पसरा है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर मनोज वर्मा आज उस घर में भी पहुंचे थे। घर पूरा खुला हुआ है लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य इस वक्त घर के अंदर मौजूद नहीं है। जो आसपास के लोग जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक जब अतीक और अशरफ का कत्ल हो गया था उसके बाद से ही ये पूरा का पूरा जो परिवार है वो यहां से गायब है, कोई यहां पर मौजूद नहीं है। और जो सामान जिस तरीके से अंदर बिखरा पड़ा है उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि बहुत जल्दबाजी में यहां से घर छोड़कर चले गए। तस्वीरों के जरिए मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, एक तलवार जो है वो यहां घर के बरामदे में एक तलवार जो है वो यहां पर पड़ी हुई है। इसके अलावा ये कमरा मैं आपको दिखाना चाहूंगा जहां पर तमाम जो कानून से जुड़ी किताबें हैं वो यहां पर आप देख सकते हैं। ये तमाम किताबें जो हैं वो यहां पर हैं और पूरा घर फैला पड़ा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये शाइस्ता परवीन का जो भाई है उसकी तस्वीर है, जकी अहमद की तस्वीर यहां पर लगी हुई है और पूरा जो घर है वो बिखरा पड़ा हुआ है। 50,000 रुपए का इनाम पुलिस ने शाइस्ता परवीन पर रखा हुआ है और लगातार पुलिस की जो कई टीमें हैं उसकी तलाश कर रही है, कई जगहों पर दबिश दी जा रही है, लेकिन शाइस्ता परवीन अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अतीक के वकील विजय मिश्रा ने शाइस्ता से अपील की कि वो सरेंडर कर दे। शाइस्ता परवीन जी को लेकर संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन हम आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं, अगर वो सुन रही हो देख रही होंगे तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि वो सरेंडर करने की कोशिश करें और हर चीजों को सही करें। इससे पहले रविवार को जिस वक्त अतीक अहमद के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही थी उस वक्त जब कुछ बुरका नशी महिलाएं पहुंची तो ये खबर फैल गई कि अतीक की पत्नी शाइस्ता पहुंची है। हालांकि पुलिस ने कुछ देर बाद साफ कर दिया कि बुरके वाली महिला शाइस्ता नहीं है। We'll be right back.